Hello guys, very good evening and welcome to my channel Rohit Chemistry, right? So in this video we are going to discuss about some questions regarding to our previous topic, and that is a combination of resistance. And already maine two videos ke bana ke rakhe hai, parallel combination and series combination. Agar aapne wo playlist ke jo video jo mera hai wo nahi dekhe hai, aap jaiye playlist mein, specific maine bana ke rakhi hai 11th 12th chemistry physics, aap jaiye wahan pe dekhiye. Maine bahut hi easy tricky way mein jo content hai provide kiya hai, all right? And bahut se logon ne channel ko subscribe kiya hai, thank you so much for that. And agar aapne nahi kiya hai ab tak, so please subscribe and motivate me to make a lots of video regarding to our chemistry and physics, all right? So aaj hum is video mein basically kya baat karne wale hain ki jo resistance hote hain exam mein, kya aata hai ki resistance jo hai usko ek complex diya jata hai, circuit diya jata hai, complex circuit diya jata hai, aur us complex circuit se apun ko nikalna padta hai equivalent resistance. Okay, to ab us complex resistance wale circuit ko do way mein solve kar sakte hain. एक तो वे ये है कि सिमेट्री, इसमें सिमेट्री का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरा वे ये है कि जो आपको सर्किट दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, सो पहले जो मैं बताऊंगा, पहले सिंप्लीफाई वाले बताऊंगा और फिर अपन जाएंगे सिमेट्री वाले में. ऑलराइट, सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसको अपन सिंप्लीफाई करके इसको अपन सॉल्व करेंगे. राइट, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन वाले में और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो था, अगर मैं बात करता हूँ सीरीज वाले में, अच्छे से ध्यान देना, वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो एक बार देख लीजिए. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आई था वो आपका क्या था, सेम था, और वी क्या था, वी आपका डिफरेंट था. ऑलराइट, बट अगर मैं बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो वहाँ पे आई क्या था, आई आपका डिफरेंट था. बट अगर मैं वी के बारे में बात करूँ तो वी क्या था, वी जो था वो था आपका सेम था. ऑलराइट, यू गॉट इट माय पॉइंट. सो ये अपन ने कुछ दो बातें वहाँ पे की थी. ऑलराइट, अब इसी दो बातों के थ्रू अपन समझ सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस बाइंड हुए है वो रेसिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है. ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे आपको कुछ एक सर्किट दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, और उस सर्किट को उनको सॉल्व करना है थ्रू द सिंप्लीफाई करके. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे. यहाँ से सपोज करो करंट जो है आई फ्लो हो रहा है. अभी जो आई करंट फ्लो होगा, जो आई करंट कुछ पोर्शन उसमें इधर कुछ पोर्शन 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, और इस आई का कुछ पोर्शन जो है वो 2 ओम वाले रेसिस्टेंस में फ्लो होगा. ऑलराइट, जो करंट का मैग्नीट्यूड है 1 ओम वाले में फ्लो होगा, वो का वो इस 1 ओम वाले में फ्लो होगा. मतलब इस यहाँ तक का जो करंट है वो क्या है, सेम है. और करंट क्या है, सेम है, तो कौन सा सीरीज है ये, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है. इसका मतलब ये कह सकते कि ये वाला कॉम्बिनेशन है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है. और ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में है. लेकिन इधर वाला जो करंट है, जरूरी नहीं कि इधर वाले से सेम हो. राइट, ये दोनों जो ये वाला और ये वाला कौन सा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. राइट, तो इस तरह से हमने इन जो फोर्थ दिए हुए ना, जैसे 1, इसको मैं 1 मान लिया, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 पोर्शन दिए हुए हैं, इस 4 पोर्शन में 2 जो ऊपर वाले हैं वो, या 2 जो नीचे वाले हैं वो सब किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में. राइट, तो पहले इनका अपन सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते हैं. देखो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया, 1 एंड 1 कितने हो गए, 2 ओम हो गए. इधर 2 ओम मिल गया मुझे कुछ इस तरह से. ऑलराइट, इसको मैं ए लिख देता हूँ. और नीचे 2 एंड 2 कितने हो गया, 4 ओम हो गया, तो मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ 4 ओम. ऑलराइट, और इसको मैं बंद कर दिया. अब इसके लिए वापस अपन ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए वापस ऐसा क्या, ऐसा ओके. सो यहाँ पे 1 एंड 1 वापस 2 ओम, नीचे 2 एंड 2 4 ओम. वेरी सिंपल, ऐसा क्या था, 4 तक करना है. चलो ठीक है, करते हैं इसको. थोड़ा फास्ट में करो, सो थोड़ा बोर्ड पे हैंडराइटिंग का इश्यू रहेगा, आप समझने की कोशिश करना. नाउ यहाँ पे जो है 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम, ये हाउस फ्लैप बहुत परेशान कर रहे हैं. और यहाँ पे टर्मिनल जो है वो आपका बी है. ऑलराइट,
कुछ इस तरह से यहाँ पे अपन ने सर्किट डायग्राम इसको सिंपलीफाई करके कुछ इस तरह से बना दिया। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो ये दोनों जो रेसिस्टेंस है वो किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। तो इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मुझे 2 और 4 है, 2 और 4 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा नॉर्मली ये कितना मिल जाएगा, 4 2 8 8 अपॉन 6। ऑलराइट, इसका मिल जाएगा 8 अपॉन 6 और इसका मिल जाएगा 8 अपॉन 6, इसका भी 8 अपॉन 6 और नेक्स्ट का भी 8 अपॉन 6। तो इसका भी 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6 एंड 8 अपॉन 6, राइट। सो ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसको बाइंड कर लो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 6 प्लस 8 अपॉन 6 प्लस 8 अपॉन 6 प्लस 8 अपॉन 6 कितना आ गया, 24 अपॉन 6। कैसे कर दो इसको, ओके 1 2 3 4 ओके 32 आएगा, 32 अपॉन 6, राइट। तो ये कितना हो गया, ये 16 अपॉन 3 है ना ओम, दैट इज अ आर इक्विवेलेंट। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 16 अपॉन 3 ओम। इस जो कॉम्प्लेक्स सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 16 अपॉन 3 ओम। ऑल राइट, सो ये अपन ने कुछ इस तरह से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पूरा एक्सपेंड करके आपको बताया विद द फुल एक्सप्लेनेशन, राइट। एंड नेक्स्ट जितने क्वेश्चन आएंगे उसको अपन क्या करेंगे, इतना करेंगे नहीं, उसको जस्ट माइंड में भी सोच के अपन इसको इजीली अपन कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो थोड़ा इसको पूरा खोल के लिखना पड़ेगा। ऑल राइट, सो इसको अपन ने इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना, ये कुछ इस तरह से ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, सपोज यहाँ पे करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये जो चीज़ है ये आपको अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अब इसमें से आई करंट ही फ्लो होगा, अब इसमें से भी आई करंट फ्लो होगा, क्योंकि आई जो है उसका पाथ एक ही है, आई का पाथ एक है, तो आई डिवाइड नहीं होगा, अलग मैग्नीट्यूड में, तो आई सेम रहेगा। आई सेम जहां जा रहेगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये सारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सिंपली अपन ऐड करते हैं। तो इन सब का ऐड कर लो, जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। तो ये तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में क्या आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन में ए और बी टर्मिनल दिए हुए हैं और इस टर्मिनल के जो बीच में है अलग अलग रेसिस्टेंस को कंबाइन किया गया है सीरीज एंड पैरेलल में, तो उसका अपन को निकालना है आर इक्विवेलेंट। ऑल राइट, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो है, सबसे पहले देखो ये जो है ये किस में है, सीरीज में है। तो इन सीरीज में इसको सॉल्व करके हुए इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, सीरीज में दो होते तो ऐड करते हैं। कैसे पता किया ये सीरीज में है, बिकॉज यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो का वो करंट इस रेसिस्टेंस में फ्लो होगा, ठीक है। तो दो, अगर कोई दो या दो से कुछ ज़्यादा रेसिस्टेंस है जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब वो रेसिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में होंगे। लेकिन अगर करंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया रेसिस्टेंस के लिए, तो वो दोनों जो रेसिस्टेंस है वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया 12 ओम आ गया। ऑलराइट, एंड यहाँ पे देखो 2, 3 और 6 है, ये यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इसमें फ्लो होगा, कुछ करंट इसमें फ्लो होगा। करंट डिवाइड हो गया, करंट डिफरेंट हो गया, करंट डिफरेंट हो गया, आई डिफरेंट हो गया, इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताया ना आपको, जैसे ये R1 और R2 अपॉन R1 प्लस R2, उससे सॉल्व कर दो। तो 6 3 जा 18 अपॉन 6 और 3 कितना आ गया, 9। सो 9 2 जा, ओके। सो इसका कितना आ गया, इसका आपका आ गया 2 ओम, राइट। तो इसको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने सॉल्व कर दिया, और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एज अ इक्विवेलेंट जो मुझे मिला वो कितना मिल गया, वो मुझे मिल गया 2 ओम मिल गया। ऑलराइट, अब ये 4 ओम और 2 ओम किस में है, सीरीज में है। वाई, बिकॉज करंट सेम है। तो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये मुझे कितना मिल गया, ये मुझे मिल गया यहाँ पे 6 ओम मिल गया। ऑलराइट, अब ये 12 ओम और 6 ओम किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 6 और नीचे आपका आ जाएगा 12 + 6 मतलब 18 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 6 टाइम एंड 2 टाइम 6 2 जा एंड 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो इसका कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा कैंसिल करके
यहाँ पे जो मेरा रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, वो मुझे मिल गया 4 ओम। ओके 4 ओम मिल गया, आई होप 4 ओम ही मिलेगा। एंड फिर 4 एंड 5 कितना हो गया, 9 ओम हो जाएगा। तो इसका ये, क्योंकि ये किस में है, सीरीज में, तो इसका जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया, वो आपको मिल गया 9 ओम। तो इस तरह से भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन था जो कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स वे में रिप्रेजेंट किया गया था, जिसको अपन आराम से सिंपल करते 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 इसको अपन 9 ओम इसका आंसर आ गया। ऑलराइट, सो ये जो बेसिक है क्वेश्चन, इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है मैंने CBSE गाइड जो है 12th के वहाँ से मैंने लिखे हैं। राइट, सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके फाइन, इसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख देना। सो 4 क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। एंड इसका जो है ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल के जो बीच में जो है इसका आर इक्विवेलेंट अपन को फाइंड करना है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ओके और इसको किस तरह से करेंगे उसमें, उसको उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसको भी अपन सिंप्लीफाई करके यूज कर सकते हैं मेथड। तो क्या करेंगे नॉर्मली अपन, यहाँ पे देखिए जो R9 और R10 जो है वो दोनों रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। कैसे आइडेंटिफाई करना है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज यहाँ पे जो भी करंट आपका फ्लो करेगा वो का वो करंट इस रेसिस्टेंस में भी फ्लो करेगा, और अगर दोनों रेसिस्टेंस में जो फ्लोइंग करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, इट इंडिकेट दैट बोथ रेसिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, सो ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये दोनों में कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। सो सिंपली यहाँ पे इसको मैं मिटा करके 10 ओम एंड 2 ओम यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को एड मैं करूँगा तो यहाँ पे नॉर्मली इसको मैं कुछ इस तरह से शो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 10 और 2 था, यहाँ पे ये कितना हो गया, 12 ओम हो गया। ओके तो यहाँ पे कितना, ये 12 ओम 12 ओम करके मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिलेगा। ऑलराइट, ओके फाइन। एंड नाउ ये और ये जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ऑलराइट, इसके पूरे एंड तक अपन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट, जो भी करंट आएगा वो कुछ इसमें प्रोवाइड होगा, कुछ इसमें प्रोवाइड होगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड दोनों रेसिस्टेंस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। एनी टू रेसिस्टेंस कंटेन एंड फ्लो थ्रू द रेसिस्टेंस आर डिफरेंट करंट, इट मीन्स बोथ रेसिस्टेंस आर इन द पैरेलल इन कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, सो ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, सिंपल सा है, 12 × 6 / 12 + 6। ओके तो 12 × 6 / ये कितना हो गया, 18 हो गया। इसको सॉल्व कर दो 6 टाइम, ये आपका 9 टाइम, ये 2 टाइम, ये आपका 3 टाइम, ये 2 टाइम कितना आ गया, 4। तो ये इन दोनों को सॉल्व करके मुझे कितना मिल गया, 4 ओम मिल गया। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जो है 4 ओम मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो 4 ओम है और ये जो 7 ओम है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो करंट यहाँ से इसमें भी वो का वही करंट होगा। इट मीन्स इसमें और इस R7 रेसिस्टेंस का जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इट मीन्स बोथ आर इन सीरीज इन कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और वो 12 ओम कुछ मुझे इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 12 ओम करके यहाँ पे देखने को मिल गया। एंड वेरी सिंपल, वापस 6 ओम वापस 12 ओम किस में है, पैरेलल इन कॉम्बिनेशन में है। और 6 और 12 का अपन निकाला था, कितना मिला था, 4 ओम मिला था। इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे कितना मिला, 4 ओम करके देखने को मिल गया। और ये 4 ओम किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो बस फिर क्या करो, ये जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है नॉर्मली, तो यहाँ पे जो है मुझे 8 ओम ही था ना, यस 4 एंड 4 8 ओम। तो मुझे यहाँ पे 8 ओम करके देखने को मिलता है एज अ इक्विवेलेंट, राइट, नॉट फॉर होल सर्किट। ओके सो 8 ओम मुझे यहाँ पे मिल गया। एंड 8 ओम एंड दिस 8 ओम ये किस में है, पैरेलल में है। सो 8 × 8 / 8 + 8, सो 8 × 8 / 16। इसको सॉल्व कर दो, ये 4 टाइम, ये 4 × 2 = 8, ये भी कितना मिल गया, 4 ओम मिल गया। मतलब इसको भी हटा दो, ये कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ऑलराइट, और ये 4 ओम किस में है, सीरीज इन कॉम्बिनेशन में है। व्हाई, बिकॉज द करंट पासिंग थ्रू दिस R3 रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द पासिंग थ्रू दिस R4 रेसिस्टेंस, बोथ रेसिस्टेंस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, सो दे आर इन अ सीरीज इन कॉम्बिनेशन। सो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया।
तो सिंपली यहाँ पे जो है मुझे 8 ओम देखने को मिलता है। देख रहे हो आप, पहले जो ये सर्किट था इतना बड़ा था, इसको छोटा कर कर करके अपन ने यहाँ तक ला दिया, राइट, सिंप्लीफाई करते करते। अब 8 ओम और 8 ओम किस में है, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना मिला था, अपन को 4 मिला था, तो इसको भी आप सॉल्व कर लो, ये कितना मिल गया आपको, ये आपको 4 मिल गया, ऑलराइट। एंड ये 6 और 4 किस में है, आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 ओम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। सो दैट इज द आंसर। अभी देखो ये जो मैंने किया है तो इसमें मुझे कुछ मिनट्स लगे, राइट, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, सो मैं तो एक्चुअली इसको देख के भी बता सकता कि हाँ इसका 10 ओम है, आराम से ऐसे माइंड में सेट करते 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 अपन आराम से पहुँच सकते हैं, आप भी खुद भी बता सकते हो, लेकिन जब इसमें चाहिएगी आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ऑलराइट, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, है ना, तो वहाँ पे आप अलग अलग सर्किट ढूंढिए, और इवन आप हैप्पी होंगे जब आप एक से एक आपके सॉल्व होते जाएंगे, नहीं यार ये ट्रिक बड़ी काम की है ना, सो ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा रेसिस्टेंस, कौन से कॉम्बिनेशन, उसका सिंपल ट्रिक बताया है, आपको करंट देखना है, करंट अगर सेम फ्लो हो रहा है इन द टू एंड मोर देन टू रेसिस्टेंस, इट मींस दे ऑल रेसिस्टेंस आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इफ द करंट आर डिफरेंट इन टू एंड मोर देन टू रेसिस्टेंस, इट मींस दे आर इन द पैरेलल इन कॉम्बिनेशन, ये सिंपल ट्रिक आप यूज कर सकते हो, ऑलराइट, सो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिमेट्री जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, और इसको सिमेट्री के फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट, ओके, चलो तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिखते रहना आप मेरे साथ साथ, ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे मैंने 3 मोर क्वेश्चंस बोर्ड पे राइट डाउन कर लिए हैं, और ये जो क्वेश्चन है अपन सिमेट्री मेथड का यूज़ करके अपन सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने जो क्वेश्चन किए थे उसको अपन सिंपली मेथड से यूज किए थे, एंड अगर सिमेट्री मेथड के बारे में बात करें तो सिमेट्री का सिंपल सा मीनिंग होता है सेम थिंग जो होती है या सेम जो रेसिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना, ओके, एंड सिमेट्री मेथड कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा सिमेट्री मेथड है। तो अपन जो बात करने वाले हैं वो आपका है सिमेट्री मेथड्स, ओके। अब इस सिमेट्री मेथड में अपन देखो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात करता हूं तो यहां पे आपको सेम थिंग जो है उसको आपको फाइंड आउट करने का, राइट, यहां पे 3 ओम है एंड यहां पे 3 ओम है, यहां पे 2 ओम है, यहां पे 2 ओम है, तो आपको जो सेम चीज मिल रही है, सेम थिंग मिल रही है, सेम रेसिस्टेंस आपको जो मिल रहे हैं वो कुछ आपको इस तरह से मिल रहे हैं, यहाँ पे जो थिंग दी हुई है वो एग्जैक्ट यहाँ पे भी आपको दी हुई है, ऑलराइट, ये जो है बीच में एज अ कॉमन साइड के फॉर्म में आपको मिल रहा है, आपने 10th क्लास में जो कॉन्ग्रुएंट वगैरह पढ़ा होगा ना, राइट, सीपीसीटी समथिंग यू नो, एंड अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये दोनों सेम नहीं हुए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये भी सेम नहीं हुए, लेकिन अगर मैं अप एंड डाउन के बारे में बात करूँ, अप 2 है, डाउन 2 है, अप 3 है, डाउन 3 है, मतलब ये कुछ इस तरह से इसमें सिमेट्री हो रही है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो सिमेट्री मेथड है वो मे बी 2 टाइप का होगा, एक तो वो जिसमें लेफ्ट राइट में सिमेट्री हो, एक वो जिसमें अप एंड डाउन में सिमेट्री हो, जिसमें लेफ्ट और राइट में सिमेट्री होती है उसको अपन नॉर्मली जानते हैं मिरर सिमेट्री से, किससे जानते हैं, मिरर सिमेट्री से जानते हैं, और जिसमें अप डाउन में हो उसको अपन जानते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, दैट इज अ फोल्डिंग सिमेट्री, ओके। तो अब यहां पे जो है मिरर सिमेट्री में तो देखते हैं अपन करंट आई, इन फोल्डिंग सिमेट्री में देखते हैं पोटेंशियल वी, पोटेंशियल देखते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मिरर सिमेट्री जो होती है उस पर करंट आई को देखते हैं, अब किस वे में देखते हैं वो मैं बताऊंगा, जस्ट अभी आप समझो कि मिरर सिमेट्री में आई करंट आई को देखते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री में पोटेंशियल डिफरेंस वी को देखते हैं, ऑलराइट, चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब एक्चुअली इसको अपन सिंपल मेथड का यूज करके मे बी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो बीच में 5 ओम करके कुछ रेसिस्टेंस को यहाँ पे बाइंड कर दिया गया है, ऑलराइट, सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली अगर अपन यहाँ पे देखें तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से सिमेट्री दिख रही है, मतलब अगर सपोज करो यहाँ पे मैं अगर कोई मिरर रखता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ मिरर रख दिया, ऑलराइट, सो एक्चुअली मिरर जो होगा उसका बिल्कुल इसका जो ऑब्जेक्ट ये बन गया और उसका इमेज बिल्कुल ये बनेगा, ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस मिरर में यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा हूँ मैं, ओके, जैसे सपोज ये आई वन है और ये आपका आई टू है, तो यहाँ पे भी जो है वो करंट आई वन मिलेगा,
यहाँ पे I2 मिलेगा, ऑलराइट, क्योंकि एक्चुअली ये जो क्या है मिरर है, यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे भी I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I2 है। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो टर्मिनल है वो सपोज स्टार्टिंग वाला टर्मिनल है, ओके, इसको आप जैसे सपोज इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको पर नेगेटिव ले सकते हैं, या इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव से आपकी करंट का डायरेक्शन स्टार्ट होगा, ओके। सो यहाँ पे पॉजिटिव है सो करंट यहाँ पे आपका फ्लो होना स्टार्ट हुआ, या नेगेटिव, या दोनों मिलकर के आपको आई की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ऑलराइट। ये चीज आपको समझ में आई, होप आगे होगी। अब तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, करंट के बारे में आपको पता चल गया कि करंट, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे I1 था और यहाँ पे आपको क्या मिला है, I1 ही मिला है। एक्चुअली मिलना अगर अगर सपोज यहाँ पे I1 ही मिल रहा है, इसका मीनिंग ये है कि जो पाथ है वो पाथ क्या हुआ, सेम पाथ हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम पाथ हुआ। कैसे हुआ, सपोज यहाँ पे I1 या I1 I1 I1, अब यहाँ पे एक्चुअली 5 ओम बाइंड हो बाइंड है यहाँ पे, तो कुछ I1 इसमें ट्रांसफर होता तो यहाँ पे मुझे I1 नहीं मिलता, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या मिला है, I1 अकॉर्डिंग टू मिरर सिमेट्री ऑफ रेसिस्टेंट कॉम्बिनेशन। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो 5 ओम है वो एक्चुअली यहाँ से बाइंड नहीं है। एंड सिमिलर, ध्यान देना, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I2 जाकर के मुझे यहाँ पे I2 ही मिल रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से भी बाइंड नहीं है तभी मुझे I2 मिल सकता है, मतलब यहाँ पे 5 ओम कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बाइंड ही नहीं है, वो कुछ इसी कुछ ऐसे ही आपको दिया हुआ था। ऑलराइट, अब इसको आपको सॉल्व करना है, अब तो बड़ा सिंपल है, 3 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों को सीरीज को सॉल्व कर दो, आपको लास्ट में कुछ ओम मिल जाएगा, वो आपको पैरेलल में हो जाएगा, 3 and 3 6 ओम एंड 2 and 4 6 और 4 का आपको इस तरह से पैरेलल में सॉल्व करके आपको ए और बी टर्मिनल के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो आप फाइंड कर लोगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको मिरर सिमेट्री जो है मिरर सिमेट्री टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि आपका है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री में आपका है अप डाउन, एंड यहां पे क्या था, यहां पे आपका था लेफ्ट राइट, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे देखो अप एंड डाउन, एंड सेकंड थिंग इज दैट इन द फोल्डिंग सिमेट्री वी फोकस ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ऑन द करंट, ओके। सो अब कैसे, सपोज करो यहाँ पे जो मैं इसको टर्मिनल को ए दे देता हूँ, ओके, और यहाँ पे जो है टर्मिनल अपन पॉइंट बी दे देते हैं, ऑलराइट। सो एक यहाँ पे एक थिंग मानो, सपोज यहाँ पे जो है इस तरह से ये आपका अप एंड डाउन में जो है इसकी सिमेट्री है, राइट। सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी वन है, यहाँ पे भी आपका वी वन है, यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे आप मान लो वी टू है, यहाँ पे भी क्या है वी टू है, यहाँ पे जो है वो आपका वी थ्री है, और यहाँ पे भी क्या है आपका वी थ्री है। मैंने यहाँ पे जितने जितने जो टर्मिनल्स पॉइंट थे जहाँ से कुछ बाइंड हो रहा था उसको अलग अलग मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मैंने उसको बता दिया कि सपोज यहाँ पे पोटेंशियल पे वी वन है, यहाँ पे वी टू वी थ्री हो, ऑलराइट, ये हो गया, ओके फाइन। सो यहाँ पे देखो वी वन एंड वी टू पोटेंशियल डिफरेंस में आपका 2 ओम है, यहाँ पे वी वन और वी टू पोटेंशियल डिफरेंस में 2 ओम है, लेकिन ऊपर और नीचे क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, वी वन वी टू वी वन वी टू, ओके, हायर पोटेंशियल सपोज वी टू तो वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसका मतलब करंट क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, और जब करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा मैंने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बात कर चुका हूँ, तो आपका कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल इन कॉम्बिनेशन, ऑलराइट। सो ये दोनों किस में है पैरेलल इन कॉम्बिनेशन में, ऑलराइट, ओके। एंड सेकंड थिंग, अगर मैं 5 ओम के बारे में बात करूँ, ये इसका जो पोटेंशियल है वो किसके बीच में है, ये वी टू और वी टू के बीच में है, और वी टू और वी टू दोनों सेम है, इसका मतलब एक्चुअली जब मैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करूंगा तो वी टू माइनस वी टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा जीरो मिलेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है इसका मतलब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो भाई ये ऐसे ही टाइम पास कर रहा है इसके बीच में, तो इसको मैं यहाँ से वापस हटा देता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड इसके बारे में बात करूँ तो वी टू वी थ्री, यहाँ पे वी टू वी थ्री पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो नहीं है, लिसन टू मी, वी टू वी थ्री पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो ऊपर और नीचे क्या मिलेगा सेम मिलेगा, और जब सेम मिलेगा
पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, करंट डेफिनेटली डिफरेंट मिलेगा और सीरीज जो जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो थ्री और थ्री का जो क्या है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसको मैं अपन प्रूव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे टू और टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और थ्री का क्या है आर इन पैरेलल इन द कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो टू और टू आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है, और थ्री को पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दो और फिर जो भी आपको मिलता है इस तरह से आप इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, फाइंड कर लोगे ना इसका, या ऑलराइट। सो नाउ समझ में आ गया ना आपको, मतलब टू और टू का आपको पहले कॉम्बिनेशन शो करना है और जितना भी आता है वो इससे इसके पहले कॉम्बिनेशन से सीरीज के साथ में बाइंड कर लेना, आपका इसका जो आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड हो जाएगा। एंड सपोज ये जो है ये एक बड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है और सपोज इसको अपन फोल्डिंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट, ये सिमेट्री से भी हो सकता है, मिरर सिमेट्री से भी हो सकता है, ओके, और फोल्डिंग से भी हो सकता है। सपोज अपन फोल्डिंग से करते हैं क्योंकि फोल्डिंग से ईजी रहेगा। ऑलराइट, अब कैसे फोल्डिंग से ईजी रहने का मीनिंग ये है, ध्यान देना, फोल्डिंग वाला जो है वो कुछ इस तरह से मिरर के फॉर्म में ले सकते हो, लेकिन उसमें जो है आपके टर्मिनल पॉइंट के पैरेलल लाइन जाएगी। फोल्डिंग में टर्मिनल पॉइंट ए और बी है उसके पैरेलल लाइन जाती है, जबकि मिरर वाले में एक्चुअली उसके परपेंडिकुलर थी, देखो ऐसे थी। ऑलराइट, ए भी ऐसे था, ये ए आपका जो था ना मिरर वो कुछ इस तरह से था, लेकिन इसमें क्या है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसा ड्रॉ किया है इसका मतलब फोल्डिंग सिमेट्री यूज करना है, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता तो कौन सा सिमेट्री यूज करते हैं, मिरर सिमेट्री यूज करते हैं, ठीक है। चलो फोल्डिंग कर लिया, अब फोल्डिंग करने के बाद पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। सपोज यहाँ पे भी मुझे पोटेंशियल देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं दिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कोई रेसिस्टेंस नहीं था इन दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल दे दिया V1, तो यहाँ पे दे दो V2, यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा V2 होगा, यहाँ पे दे दो V3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को एज अपन मिला देते हैं। ओके, यहाँ पे आप V दे दो, V ओनली V दे दो, ऑलराइट, क्योंकि एक्चुअली V1 तो ऑलरेडी आ गया ना, V4 देने को दे सकते हो, यहाँ पे आप दे दो V4, यहाँ पे जो है यहाँ पे V4 दे दो और यहाँ पे है V5 दे दो। ऑलराइट, सो ये मैंने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पे पोटेंशियल की जो मैग्नीट्यूड मैंने पुट कर दिया। ओके, अब एक्चुअली इसमें से अपन को क्या करना पड़ेगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो पैरेलल इन कॉम्बिनेशन होगा, और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल ही नहीं रहा है, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे आपको उस रेजिस्टेंस को आप यहाँ से हटा सकते हो, यू कैन सपोज नेग्लिजिबल। ओके फाइन, सो यहाँ पे देखो ये V1 V2 है, ये भी V1 V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑब्वियसली है, ओके, V1 V2 बट क्या है सेम है, सो बोथ आर इन पैरेलल इन कॉम्बिनेशन। ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, सारे के सारे 2 ओम है, और ये किस में है पैरेलल इन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। चलो तो ये जब पैरेलल इन कॉम्बिनेशन है, ओके, अब इसको चेक करते हैं V2 V3 ये भी पैरेलल इन कॉम्बिनेशन में होगा, इसको चेक करते हैं V2 V ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको चेक करो V4 इसको चेक करो V4 ये भी पैरेलल इन कॉम्बिनेशन में है, V3 V4 पैरेलल इन कॉम्बिनेशन में है, V4 V5 पैरेलल इन कॉम्बिनेशन में है, बट टोटली ये ऊपर वाला नीचे वाला जो है आपस में किसमें पैरेलल इन कॉम्बिनेशन में है, सेम फॉर्मेट में है। ऑलराइट, चलो इसको सॉल्व करते हैं, और 2 और 2 का पैरेलल इन कॉम्बिनेशन में है, मतलब 2 × R1 × R2 / R1 + R2, तो ये कितना आ गया 4, एंड नीचे कितना आ गया 4, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई दोनों का डिवाइड होकर कितना मिल जाएगा आपको 1। इसी तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे ना, 2 और 2 है तो 2 और 2 का आपका ये किस तरह से हो गया 2 × 2 + 2। ऑलराइट, तो इस तरह से अपन ने ये फाइंड कर दिया, कितना मिल गया मुझे 2 + 2 = 4 हो गया, 2 × 2 = 4, 1 मिल गया। इसका मतलब ये जो है इसको मैं जो सॉल्व करूँगा तो ये यहाँ पे कितना आ गया 1 ओम आ गया, इसको यहाँ से हटा दो। ओके, एंड यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है तो इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 ओम, इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 ओम, बिकॉज पैरेलल इन कॉम्बिनेशन जो सेम थिंग है उसके बारे में, इसका है, ओके, इसका इसके लिए करेंगे, तो इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह लिख दूंगा 1 ओम, एंड अब की बार पे इसको हटा देते हैं, इसकी जगह लिख दूंगा 1 ओम, और अब की बार इसको हटा देते हैं और इसकी जगह लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1 ओम। ओके फाइन, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ओके फाइन, सो अब मुझे कुछ इस तरह से ये देखने को मुझे मिल गया। ओके फाइन, सो नाउ
अब नॉर्मली अपन को क्या करना है, ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे देखो अपन को इस तरह से ये कुछ मिलता है। अब देखो ये जो है ये दोनों किस में है, सीरीज इन कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों भी किस में होंगे, सीरीज इन कॉम्बिनेशन में होंगे। तो इसका सीरीज सॉल्व कर दो, वन एंड वन कितना हो गया, यहाँ पे 2 ओम हो गया, ऑल राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ऑल राइट। और यहाँ पे ये कितना है, 1 ओम है। और यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे 1 ओम है। और यहाँ पे आपका B है, यहाँ पे आपका A है, ऑल राइट। तो इसको आप इस फॉर्म में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑल राइट। यहाँ पे है ना ये कनेक्शन नहीं होगा, इसको आप वापस मिरर से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इसको तो आप इजीली सॉल्व कर ही लोगे, राइट। 2 ओम का वापस आपको कितना मिलेगा, 1 ओम मिल जाएगा, 1 1 1, तो 3 ओम। इसका इस तरह से आप यहाँ पे आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपका ज़्यादा फोल्डिंग सिमेट्री, ओके। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए जिसमें सिंपल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे बताए जिसको आप सिमेट्री मेथड, जिसमें से आपका मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों बता दिए। तो आई होप आपको ये जो पूरा रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन का जो मैंने 3 वीडियोज़ बनाए हैं, आपने तीनों वीडियोज़ देखे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। और कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर ये डाउट है कुछ, ओके फाइन। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और मुझे एक्चुअली कुछ मोटिवेशन मिले कि नहीं यार पसंद कर रहे हैं मेरा जो कंटेंट है वो, आप बच्चे पसंद कर रहे हैं कर नहीं रहे वो पता चले ना, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। एंड थैंक यू सो मच, या गुड बाय।